ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें A1 न्यूज टीवी, नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करें। हेलो एंड वेलकम, आई एम साक्षी सिंह, यू आर वॉचिंग A1 न्यूज टीवी। Siddhi powered by humanity is a spiritual non-profit organization that has been established to help individuals lead holistic and wholesome lives. Dr. Meena Mahajan, founder of Siddhi, is extremely passionate about preservation and restoration of the environment. She says, "It's my dream to make a forest in Delhi, which we will do soon." Each year, the organization dedicates 3 months to their green initiative called Green Siddhi. This year, Siddhi plans to do many initiatives starting 1st June. World Environment Day will be about gifting a plant to 5,000 households in Delhi and NCR. Green water camps, International Yoga Day plantations across the city, conclaves on sustainability and climate change, a green walk and many more. Last year, Siddhi created a world record by planting 10,000 trees in 5 hours. सिद्धि की टीम आज पहली बार मेरे ऑफिस में नहीं आई है। सिद्धि की टीम इससे पहले भी कई बार आ चुकी है और सिद्धि को मैं जानता हूँ और मुझे ये भी मालूम है कि ये बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं और ख़ास करके वातावरण के लिए। जैसा कि आपको विदित है कि आज आप लोग यहाँ आए हैं तो बाहर कितनी गर्मी है और अभी बताया गया है कि कुछ ही दिनों में तापमान अगले 1-2 दिन में 45 डिग्री से भी ऊपर दिल्ली में जा सकता है और आप समझ सकते हैं कि 45 डिग्री का ये जो तापमान हो रहा है ये ना तो हमारे शरीर के लिए अच्छा है और ना ही ये वातावरण के लिए अच्छा है और ना ही पेड़ पौधों के लिए अच्छा है। और ये जो तापमान निरंतर बढ़ता जा रहा है इसके पीछे कारण ये है कि हमने अपने वातावरण को बहुत ही बुरी तरह से दूषित कर दिया है और वातावरण को दूषित होने का मुख्य कारण ये है कि जहाँ पर चारों तरफ हरियाली होती थी, जहाँ पर वृक्ष होते थे, जहाँ पर पौधे होते थे, उन सबको धीरे 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 हमने एक अच्छे हरे भरे जंगल से उसको एक कंक्रीट जंगल में जो बदल दिया है, इसके कारण ये तापमान बढ़ रहा है। और इन्हीं पेड़ पौधों की कमी के कारण आज एयर कंडीशनर्स का, कूलिंग सिस्टम्स का, रिफ्रिजरेटर्स का जो इस्तेमाल है वो भी बढ़ गया है, वो तापमान को और बढ़ा रहे हैं। ओजोन लेयर के ऊपर भी बहुत बुरा असर पड़ रहा है। तो सिद्धि ने जो ये कार्यक्रम विश्व वातावरण दिवस जो कि 5 जून से है उसकी श्रृंखला में जो ये शुरुआत की है, मैं समझता हूँ कि ये बहुत महत्वपूर्ण है और धीरे धीरे हम लोगों को समझ में आने लग गया है कि ये जो वातावरण है, ये जो ज़मीन है, ये जो ज़मीन के स्रोत हैं, ये हमारी मलकियत नहीं है, ये हमारे पास हमारे पूर्वजों ने अपनी धरोहर हमें सौंप के गए हैं और हमारी जिम्मेवारी है कि आने वाली जो हमारी नई नस्लें हैं, जो नई पीढ़ी हैं, उनके लिए हम इस धरोहर को संभाल कर रखें और इस वातावरण को उनके लिए ऐसा छोड़ के जाएँ कि आगे चलकर उनको सांस लेना भी कहीं मुश्किल ना हो जाए। और जिस प्रकार से निरंतर ऑक्सीजन की कमी आती जा रही है और जिस प्रकार से जितने भी पोल्यूटेंट्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, तो आप ये तो देख रहे हैं कि कितनी बीमारियां हैं। मैंने तो यहाँ तक डॉक्टर्स कहते हैं कि जो पोल्यूशन है उसके कारण डायबिटीज़ जो कि इतनी कॉमन हो गई है, आपके लंग डिजीज़, आपके एस्थमा के डिजीज़, आपके जो कैंसर तक के डिजीज़ हैं, वो सब जो है इन्हीं कारणों से हो रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर सिद्धि अन्य संस्थाओं की तरह इसमें योगदान दे रही है तो ये बहुत एक बड़ा योगदान सिर्फ देश के लिए ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए, क्योंकि आपकी लिए तो हर जगह पर वीज़ा की ज़रूरत पड़ सकती है, पासपोर्ट की ज़रूरत पड़ सकती है और बाउंड्रीज़ खींची हुई हैं देशों के बीच में, लेकिन वातावरण एक ऐसी चीज़ है कि अगर कोई भी प्रदूषण किसी भी विश्व के किसी भी देश में कहीं भी होगा तो ना तो हवा का रास्ता कोई बांध सकता है, ना पानी का रास्ता कोई बांध सकता है, वो तो एक देश से दूसरे देश में जाएगी ही जाएगी और वो जो है पूरे देश के वातावरण को दूषित करेगी। जिस प्रकार से चाहे हम यहाँ कुछ भी करें तो ग्लेशियर्स पे असर पूरे विश्व में होगा जब तापमान बढ़ेगा। अगर समुंदर का पानी जो है वो भी अपनी सतह से ऊपर आ जाएगा तो आप देखिए कि धरती वैसे ही समुंदर से बहुत छोटी है तो कितना नुकसान हो सकता है। तो अब
काफ़ी लोग इसके प्रति जो हैं सेंसिटाइज हो गए हैं, जिसमें कि सिद्धि जैसी संस्थाओं का बहुत बड़ा रोल है। तो मैं अपनी पूरी पूरी शुभकामनाएं देता हूं और प्रशंसा करता हूं कि आपने इतना बड़ा कदम उठाया है, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप इसमें पूर्ण रूप से कामयाब होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आज भी प्रयास ये किया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग शहरों की तरफ आएँ, लेकिन शहरों में रहने वाले लोग जो हैं वो पूरा प्रयास कर रहे हैं कि वो अपना जो लाइफस्टाइल है उसको गांव वालों की तरह बनाएं। अब आप अंकुरित खाने खाने लग गए हैं, अब आप हरी भरी सब्जियां खाने लग गए हैं, आपने फास्ट फूड को छोड़ दिया है। तो मैं तो यही कहूँगा कि जितना हो सके अगर हम वापस अपनी संस्कृति के साथ जुड़ें, अपने पुराने नियमों के साथ जुड़ें, हम जितना ज़्यादा प्रकृति के साथ जुड़ेंगे, तो मेरा संदेश तो यही होगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रकृति के साथ जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी धरती के साथ जुड़ें, अपनी धरती को साफ रखें, अपने पानी को साफ रखें, अपने खान पान को जितने आपके पास आते हैं। आज किसी के ऊपर मोमबत्ती लगाई जाती है चमकाने के लिए, किसी को जल्दी पकाने के लिए उसमें कार्बाइड जैसे मसाले लगाए जाते हैं, और वो चीज़ें हम खा रहे हैं, और जब वो शरीर के अंदर प्रवेश करती हैं तो आपको नहीं पता कि वो कितनी टॉक्सिक होती हैं और आपके शरीर को कितना नुकसान उठाती हैं। तो जितना हम ज़्यादा से ज़्यादा पर्यावरण के साथ जुड़ेंगे, और वो कहते हैं ना कि आप वही खाइए जो जिस समय पर भगवान ने आपको दिया है, और मैं तो ये कहूँगा कि जो चीज़ जिस समय जिसकी पैदावार होती है वो उस समय में सबसे सस्ती होती है। तो आपकी सेहत का राज है कि सबसे सस्ते से सस्ते फल और सबसे सस्ते से सस्ती सब्जियां खाइए जो कि उसी समय प्रकृति ने आपको दी हैं, और जिस क्षेत्र में जो चीज़ दी है उसी का आप उपयोग करिए, तो आप बिल्कुल अपने वातावरण को भी स्वच्छ रखेंगे, और दूसरा प्लास्टिक से दूर रहें, प्लास्टिक को जितना कम से कम इस्तेमाल करें। प्लास्टिक के लिफाफों को आप देखिए कितने गाँव की मौत हो जाती है उनके कारण, और प्लास्टिक एक ऐसी चीज़ है जो कि बिल्कुल अपनी उसमें मिल भी नहीं पाता है, मतलब उसकी डिग्रेडेशन भी नहीं हो पाती है। तो यही मेरा संदेश है। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एब्सोल्यूट ऑनर एंड प्रिविलेज सर, एंड सर नॉट ओनली IGCRPF बट ऑल्सो पर्सनली आई थिंक विक्रम सर इज़ एब्सोल्यूटली वेरी पैशनेट अबाउट एनीथिंग विच इज़ टू डू विद द अपलिफ्टमेंट ऑफ द सोसाइटी। इनफैक्ट आज ये पहली बार नहीं है, सिद्धि का एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है मेरा मान मेरा जवान, उसके तहत भी सर से हमें बहुत सपोर्ट मिलता रहा है, एंड यू नो वी ऑल्सो ऑफर एज मच एज वी कैन डू फॉर दी डिफेंस एंड द पैरामिलिट्री फोर्सेज ऑफ आर कंट्री। और आज हम अपने ये 3 महीने की शुरुआत, ग्रीन सिद्धि की शुरुआत हम सर से कर रहे हैं, बिकॉज इट्स एन ऑनर, एब्सोल्यूट ऑनर, और सर के इनपुट्स बहुत अच्छे रहते हैं हमारे लिए। सर हमें आइडियाज़ देते रहते हैं दैट हाउ टू मेक आर इनिशिएटिव्स बेटर, एंड थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर माई प्लेजर फॉर मोटिवेटिंग अस सो मच। बट आई वुड लाइक टू एड वन थिंग विच आई हैव फॉरगॉटन, दैट आई जस्ट मेट दीज वेरी स्मॉल किड्स, वेरी ब्रिलियंट किड्स, यू नो इट्स वेरी ईजी टू मेक करेक्शंस इन द रॉन्ग्स दैट वी हैव डन एज ग्रोन अप पीपल, बट नाउ विद दीज किड्स I was quite impressed the way they have been encouraged to use the waste material to convert them into daily use household items. That is a very big thing. And if these children at this age, if they are told the importance of a good environment, the importance of waste management, the importance of correct disposal, the importance of correct utilization of the waste material, I am sure that this is a very impressionable age. So if these children from now only are told that they have to keep their environment clean, they have to keep their area green, they will definitely never ever when they grow up try to use a wooden furniture knowing yes. that it would amount to cutting of some trees. Okay, they would never use the plastic if at this age they come to know that the plastic thrown on the road could be deadly for a cow which has given milk to them and they have grown up, you know, on that milk. So, वो जो पहले बचपन की जो यादें होती हैं, बचपन की जो सिखलाई होती है, वो आपकी अंतर आत्मा में वास करती है और वो आपके साथ चलती है। और अगर ये शिक्षा सिद्धि वाले इनको छोटे छोटे बच्चों को अपने साथ मिलाकर अभी से उनके विचारों में ये भावना पैदा कर रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा कदम है जो कि पहली बार ही मैंने देखा है कि छोटे छोटे बच्चों को आप
घरों में भेज रहे हैं कि वेस्ट मटेरियल को कैसे यूज़ किया जाए, और बच्चों के हाथों से आप बड़ों को पौधे बंटवा रहे हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी विशेषता है जिसके लिए मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू। हाँ जी, देखिए अभी 3 महीने तक हमारा ये ग्रीन सिद्धि का इनिशिएटिव रहेगा, एंड सबसे पहला इवेंट इसमें 5 जून का रहेगा जो कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, जिसमें कि हम घर घर जाकर करीब, कोशिश हमारी ये है कि हम 5,000 घरों को केटर करें, एंड वी गिफ्ट अ प्लांट टू एवरी हाउस होल्ड, एंड द किड्स एंड द वॉलंटियर्स ऑफ सिद्धि विल बी टॉकिंग अबाउट एयर पोल्यूशन टू देम। उसके बाद हम कुछ ग्रीन वाटर कैंप्स लगाने वाले हैं जिसमें हम सड़क पर पानी देंगे, लोगों को पानी पिलाएंगे, लेकिन उसमें कुछ भी प्लास्टिक नहीं होगा, तो उसमें हम सब कुछ मिट्टी का यूज़ करते हैं, और फिर अगेन लोगों को जागरूक करते हैं कि इट इज़ पॉसिबल दैट वी कैन गो विदाउट प्लास्टिक। उसके बाद इंटरनेशनल योगा डे है, उसके बाद हमारी प्लांटेशंस हैं, हमारे सस्टेनेबिलिटी पे कॉन्फ्रेंसेज और कॉन्क्लेव्स हैं, क्योंकि सिद्धि का जितना भी एजेंडा है, जो भी इवेंट हम सिद्धि के अंडर करते हैं, इट इज़ ऑल अलाइंड टू यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो सब कुछ हम यूएन को अपना बेंचमार्क मान के चलते हैं, और इसीलिए मैं आज यही संदेश देना चाहूँगी कि प्लीज़ हर कोई इससे जुड़े, और हर कोई अपनी क्षमता के हिसाब से कुछ भी छोटा छोटा करे, और आज ये हमारे लिटिल वॉलंटियर्स, बिकॉज हमारा एक वर्टिकल है सिद्धि पावर्ड बाय लिटिल वंस, जिसमें 2 साल से लेके और 13-14 साल के बच्चे हैं जो कि हमें बहुत सपोर्ट करते हैं, और कल 2-2 साल के बच्चों ने नारियल के खाली शेल्स में दे हैव डन प्लांटेशंस, सो आई थिंक दिस इज़ कमेंडेबल, दे आर कमिंग अप विद अ लॉट ऑफ आइडियाज़, सब कुछ वेस्ट मटीरियल से बन रहा है, सो आई थिंक आई अर्ज एवरीवन टू प्लीज़ preserve and restore the environment. Basically, trying to do everything on the grassroots level. Yes, absolutely. And I would like to tell that if you can educate even in these people who are every day in the morning seen selling this nariyal, you know, because nariyal has become a very popular health drink. Yes. So every day in the morning, they, you know, you find lots and lots of people selling coconut water early in the morning, and then they cut it and give it to them. If they could be told that every time next day when they go to give the fresh nariyal, they could collect back the old one, and then they could concentrate it somewhere with you people, and you could further give it to the nurseries, and the nurseries could be asked that instead of putting those small saplings in the plastic packets which are torn before putting into the mud, if it is put in these, and these as it is are planted into the ground, they will dissolve because they are organic material. They will also provide fertilizer, and at the same time they would dissolve. Yes. And that would save that people buy hundreds and hundreds of plants every day tied in those plastics. So that can be avoided. That would be a big thing if you could do this drive by getting in touch with all the coconut sellers who go to every house, that next day please collect it back, and please make a point where they can collect it or give it to the nurseries so that they use it for this. Keep watching Avon News TV for more such news updates. Thank you. ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें Avon News TV. नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें. हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करें.